कुर्ला के कुछ हिस्सों में मंगलवार 10 मई को सुबह 10 बजे से बुधवार 11 मई 2022 को सुबह 10 बजे से जलापूर्ति काट दी जाएगी। अगर आप पूर्वी उपनगर कुर्ला में रहते हैं तो ये खबर आपके लिए अहम है। मंगलवार 10 मई को सुबह 10 बजे से बुधवार 11 मई 2022 को सुबह 10 बजे तक जलापूर्ति काट दी जाएगी। मुंबई नगर निगम ने ये जानकारी दी, इसलिए नगर निगम ने इस क्षेत्र के नागरिकों से पानी का संयम से उपयोग करने की अपील की। मुंबई नगर निगम की पूर्वी उपनगरों में एल सेक्शन के कुर्ला इलाके में 24 घंटे के लिए पानी की आपूर्ति काट दी जाएगी। बीएमसी क्षेत्र के पूर्वी उपनगर कुर्ला वेस्ट में 1200 मिलीमीटर व्यास एक्वाडक्ट पर एक्सप्रेस इन होटल के सामने साकिनाका में वॉल्व लगाए जाएंगे। ये कार्य मंगलवार 10 मई 2022 को सुबह 10 बजे से बुधवार 11 मई सुबह 10 बजे तक चलेगा। एल डिवीजन की जरीमारी, शांतिनगर, तानाजी नगर, श्री कृष्ण नगर, सत्यनगर, पाइपलाइन रोड, वृंदावन, बे नंबर 3, आशा कृष्ण बिल्डिंग, अन्नासगर बिल्डिंग, तिलक नगर, साई बाबा कंपाउंड, डी सिल्वा वैग, ऐसी कई जगह है जहां पर सुबह 6 बजे से दोपहर 1 बजे तक नियमित जलापूर्ति रहेगी। वहीं 10 मई को 2022 में सुबह 6 बजे से 10 बजे तक पानी की आपूर्ति होगी और उसके बाद इसे काट दिया जाएगा। कुर्ला साउथ में काजूपाड़ा, बुल बाजार, नवपाड़ा, LBS मार्ग, सुंदरबाग, ईसाई गांव, न्यू मिल मार्ग, हलवातल, मसरानी गली, ब्राह्मणवाड़ी आदि, वहां पर शाम 6:30 बजे से सुबह 8:45 बजे तक नियमित जलापूर्ति रहेगी। उपरोक्त जानकारी के अनुसार संबंधित क्षेत्र के नागरिकों से अपील की जाती है कि वो इस अवधि के दौरान पानी कटने से एक दिन पहले पानी के आवश्यक स्टॉक रखें ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी तरह की परेशानी न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई।